एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी डिवाइस है। और हमारे साथ जो है मंजीत शर्मा जी हैं। तो मैं चक्रा स्कैन कर रहा हूँ, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ यस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ नो। तो इस तरीके से लैंग्वेज है लेटर एंटीना की। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, क्राउन चक्र इज ओके, थ्रोट आई ठीक है, थ्रोट चक्र इज ओके, हार्ट चक्र इज ओके, सोलर प्लेक्सस ओके, चक्र स्वादिष्टान चक्र जो है इनका ब्लॉक है, मतलब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, रूट चक्र इज ओके। अब हमने चक्रास को स्कैन किया, सैक्रल चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है पेट का, यहाँ पर आपकी किडनी लिवर पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, वो सिस्टम इनका वीक पड़ा है। खान पान को थोड़ा संयमित करना पड़ेगा, हल्का भोजन करना पड़ेगा, खिचड़ी दलिया इत्यादि। अब इनको ठीक कैसे करना है, इस चक्रास को हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है एक नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आप बैठिए, बोलिए, बैठिए, नीचे बैठो, इसमें आराम से बैठो, आराम से बस। और इसको हाथ को ऐसे रखना, लंबा लंबा सांस लेना। हाँ, ये अमाइस फ्यूजन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्वांटम हीलिंग टेक्निक है ये हमारे पास। ये एक दिखने में साधारण पेन है, किंतु जो है इसके अंदर जो है क्वांटम हीलिंग की पूरी क्षमता है। किस तरह से जो है हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, सिस्टम को एनर्जाइज कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, चक्रास को जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने डीप ब्रीथ लेनी है, लंबा सांस लेना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, इसको कम से कम 7 times मैक्सिमम जो है और बढ़ा सकते हैं, पर मिनिमम 7 times इसको क्लॉक वाइज रोटेट करना है। और इसमें जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है आपकी एनर्जी बॉडी में और उसको हील करती है। ये आपका सोलर प्लेक्सस है, परिशन चक्र है, जल तत्व प्रधान है, देवता इसके विष्णु है, भगवान विष्णु को मेडिटेट करते हुए और एक अच्छी भावना रखते हुए कि ये जो चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, हील हो रहा है, इस तरह की एक फीलिंग होती है इसमें। तो इस तरह का एक भावना मन में रखनी है और इसको क्लॉक वाइज मूव करना है। रूट चक्र, इसी प्रकार हर चक्र पे मिनिमम 7 times रोटेट करना है क्लॉकवाइज। उसके बाद पीछे गर्दन के पीछे यहाँ पर भी इसको रोटेट करेंगे। ये जो है गंगा जमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ी का संगम स्थल है, बहुत ही एनर्जेटिक पॉइंट होता है ये मरम स्थल शरीर का। यहाँ पर भी आप जो है इसको 7 times जो है आप इसको मूव करेंगे और मैक्सिमम और बढ़ा सकते हैं रोटेशन को। उसके बाद पूरे शरीर को 3 times जो है इसको रोटेट करना है। अब हाथ मार लीजिए ऐसे करके, अपने ऐसे लगा लीजिए, पूरे शरीर को ऐसे लगा दीजिए और एक मिनट खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए, आराम से। देखो ये, हाँ बस
80 प्लस है आपकी उम्र, 80 से ऊपर अभी एज कितनी हो गई? 80 प्लस, 80 प्लस हो गए ना। तो थोड़ा बहुत जब उम्र बढ़ती है तो फिर आपका ये जो सिस्टम है वीक होने लगते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरह की अगर आप थेरेपी लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। तो मैं इसको 3.3 पे न्यूट्रलाइजिंग प्रीवियस रीडिंग, और अगेन आई विल स्कैन ऑल द 7 चक्रास फ्रॉम क्राउन टू रूट चक्रा। तो ये मैंने वापस इसको 2.5 वेवलेंथ, थर्ड आई वेवलेंथ पे इसको सेट किया है, और मैं ये देख रहा हूँ क्राउन चक्र पहले ही ठीक था, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर और यहाँ सैक्रल। यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट थी पहले वो रिवर्स जा रही थी, रूट चक्र। तो इस प्रकार से ही चक्रास को हम हील कर सकते हैं, लेकर एंटीना से स्कैन कर सकते हैं। और जो है ये अमाइज्ड जो ये पेन है आपका क्वांटम पेन, इसके माध्यम से हील कर सकते हैं। ओम शांति।